हेलो विजय माय लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक कास्ट। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज बहुत टाइम के बाद आज वापस से यहाँ पे BGMI के अंदर एक न्यू इवेंट आ चुकी है, जिससे आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट्स कूपन मिलेंगे। तो गाइज उस इवेंट के अंदर क्या क्या करना है, वही सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपको इवेंट के ऑप्शन में जाना है। आप लोग यहाँ पे रिकमेंडेड के अंदर देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे ही गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक इवेंट देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे टाइम क्रिएट है। और टाइम क्रिएट के अंदर लेफ्ट साइड में आपको टोटल 3 क्रिएट देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट वाले क्रिएट के अंदर यहाँ पे आप लोग आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको रिवॉर्ड दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पे एक क्लासिक क्रिएट कूपन स्क्रैप है। उसके बाद सेकंड क्रिएट में आप लोग देखोगे तो गाइज आपको यहाँ पे एक सप्लाई क्रिएट कूपन स्क्रैप मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोग देखोगे तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे 2 और सप्लाई क्रिएट कूपन स्क्रैप मिल जाएंगे। तो गाइज ये रिवॉर्ड आप लोगों को किस तरीके से लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिवॉर्ड लेने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ठीक है? आप लोग देखो उस क्रिएट के नीचे एक टाइमिंग चल रहा होगा, जैसे फर्स्ट क्रिएट के नीचे 3 घंटे और 53 मिनट बता रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही 3 घंटे और 53 मिनट ख़त्म होते हैं तो गाइज ये मुझे रिवॉर्ड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वैसे सेम सेकेंड वाले क्रिएट के अंदर भी नीचे आपको एक टाइमिंग दिखाएगी 5 घंटे 53 मिनट। तो जैसे ही ये टाइमिंग यहाँ पे ख़त्म होगा तो सेकेंड वाला रिवॉर्ड भी मुझे मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे ही टाइम ख़त्म होता है तो थर्ड रिवॉर्ड भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है? ये इसके लिए आप लोगों को कोई भी मिशन कम्प्लीट नहीं करने। बट गाइज अगर आप लोग रिवॉर्ड को जल्दी लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे जो मिशन दिए गए हैं उनको कम्प्लीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ये गाइज आप लोग यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले क्रिएट के सामने यहाँ पे लिखा है फिनिश 5 एनिमी इन क्लासिक मोड। तो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग क्लासिक मोड के अंदर अभी 5 एनिमी मार देते हो तो आप लोगों का 1 घंटा यहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है -1 आवर, मतलब कि एक मिशन कंप्लीट करने पे आपका 1 घंटा कम हो जाएगा। और नीचे फिर यहाँ पे 352 की जगह पे यहाँ पे मुझे 252 दिखाया जाएगा, ठीक है? मतलब कि मिशन कंप्लीट आप लोग करोगे तो आप लोगों के यहाँ पे टाइमिंग कम होगी और रिवॉर्ड आप लोगों को जल्दी मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे आप लोग सेकेंड मिशन कंप्लीट करते हो, 10 एनिमी मारते हो तो आपका 1 घंटा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आप लोग यहाँ पे 20 एनिमी मारते हो तो आपके 2 घंटे माइनस हो जाएंगे। मतलब अभी के लिए आप लोग तुरंत इस रिवॉर्ड को लेना चाहते हो ना तो तीनों मिशन कंप्लीट आप लोग कर देते हो तो टोटल मिला के आपके 4 घंटे माइनस हो रहे हैं और आप लोगों को ये रिवॉर्ड यहाँ पे जल्दी से मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्रिएट के अंदर आप लोग देखोगे तो सेकेंड क्रिएट में भी सेम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आप लोगों को टोटल 3 मिशन दिए गए हैं, जिसमें गाइज यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा है प्ले TDM मोड 3 टाइम्स विथ फ्रेंड, मतलब आप लोग फ्रेंड के साथ यहाँ पे 3 TDM खेलोगे तो 1 घंटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 5 TDM खेलोगे तो 1 और घंटा माइनस होगा। और यहाँ पे आप लोग 10 TDM खेलोगे फ्रेंड के साथ तो 1 और घंटा आपका माइनस हो जाएगा। वैसे करके आप लोग यहाँ पे इस क्रिएट को जल्दी लेना चाहते हो तो आप लोगों के टोटल 3 घंटे माइनस हो गए और फिर नीचे आपको 2 घंटे का टाइमिंग बताएंगे और 2 घंटे के बाद आप लोगों को ये क्रिएट मिल जाएगा। और वैसे सेम आप लोगों का थर्ड क्रिएट के रहेगा जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे मिशन दिए गए हैं। तो फर्स्ट में गाइज यहाँ पे क्या है कि आप लोग 5 बार यहाँ पे क्लासिक मोड के अंदर रिवाइव दे दोगे तो गाइज आप लोगों का यहाँ पे 2 घंटे कम हो जाएंगे। जैसे कि अभी 11 घंटे 51 मिनट चल रहे हैं तो आप लोग 5 रिवाइव दे देते हो तो आप लोगों के यहाँ पे 9 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा मिशन है फिनिश 5 एनिमी इन क्लासिक मोड विथ AWM कार 98 एंड M24। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे क्लासिक मोड के अंदर 5 एनिमी मारते हो या AWM से या फिर कार 98 से या फिर M24 से तो आपके 3 घंटे और माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आप लोग देखोगे तो गाइज यहाँ पे लिखा है फिनिश 10 एनिमी इन क्लासिक मोड विथ वेक्टर माइक्रो UZ। तो यहाँ पे आप लोग वेक्टर या UZ से क्लासिक मोड में 10 एनिमी मारते हो तो आप लोगों की यहाँ पे 3 घंटे माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे टोटल हम लोग काउंट करें तो टोटल 8 घंटे माइनस हो रहे हैं। तो ये मिशन आप लोग जल्दी से कंप्लीट करते हो तो 11 घंटे में से आपके 8 घंटे माइनस हो जाएंगे और सिर्फ 3 घंटे के अंदर आप लोगों को ये रिवॉर्ड मिल जाएंगे, ठीक है? तो सिंपली करना इतना ही है। वैसे तो आप लोगों को लेफ्ट साइड वाले रिवॉर्ड जल्दी मिल जाएंगे जैसे जैसे टाइमिंग ख़त्म होगा, बट अगर टाइमिंग आप लोग कम करना चाहते हो, आप लोग जल्दी क्रिएट लेना चाहते हो तो आपको मिशन कंप्लीट कर
क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन मार्क पे मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे वही लिखा है कि आप लोग यहाँ पे रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हो जब ये काउंटडाउन एंड हो जाएगा, मतलब टाइमिंग ख़त्म होगा तो आप लोग रिवॉर्ड एंड कर पाओगे। बट कम्प्लीट मिशन टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम, लेकिन आप लोग मिशन कम्प्लीट करते हो तो आप लोगों का ये जो क्रिएट का वेटिंग टाइम है वो धीरे धीरे कम होगा, मतलब जितने घंटे लिखे हैं उतना कम होगा। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नॉर्मली मिशन भी बता देती हूँ। तो गाइज फर्स्ट वाले में मैं आप लोगों को मिशन बता देती हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट में टोटल 20 एनिमी मारना है क्लासिक मोड के अंदर। तो इसके लिए सेम आप लोग यहाँ पे मैप में, क्लासिक में टोटल 6 मैप है, आप लोग कोई सा भी मैप लगा के खेल सकते हो और उसके अंदर आप लोग 10 एनिमी मारना। सिंपली मिरर वर्ड भी लगा सकते हो हिरंगल के अंदर और आप लोग ऊपर जाके भी बंदे मारना जिससे जल्दी किल काउंट होगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड मिशन की बात करें तो गाइज सेकेंड वाले क्रिएट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे TDM मोड खेलना है। तो TDM के अंदर सेम आप लोगों को यहाँ पे मैप के अंदर एरिना के अंदर जितने भी मिशन है, जितने भी मैप है, उसमें से कोई सा भी मैप खेलो, लेकिन आपको फ्रेंड के साथ खेलना है, ठीक है। फ्रेंड लिस्ट में से कोई सा भी बंदा बुलाओ और उसके साथ आप लोगों को ये मिशन कंप्लीट करना है। उसके बाद गाइज लास्ट आप लोगों को मैं बताऊँ तो लास्ट क्रिएट के अंदर फर्स्ट नंबर पे रिवाइव देना है। तो रिवाइव तो आप सब जानते हो, आप लोग डुओ या स्क्वाड में खेलो, आप लोगों का जो रैंडम टीममेट होगा या आपका फ्रेंड होगा वो अगर नॉक होता है तो प्लस पे क्लिक करके आपको उसको रिवाइव देना है, ये तो आप जानते हो। थर्ड पे गाइस सेकंड पे यहाँ पे लिखा है AWM कार 98 और M24। तो मैं आपको यहाँ पे गन बता दूँ तो इन्वेंट्री के अंदर आप लोग गन में देखोगे तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पे SR पे कार 98 फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगी। इससे आप लोग एनिमी मारो या फिर M24 से या फिर AWM, तीन में से किसी भी गन से आप लोग टोटल 5 एनिमी मारना क्लासिक मोड के अंदर। यहाँ पे मैप में क्लासिक में जितने भी मैप है कोई भी मैप के अंदर आप लोग एनिमी मार सकते हो जिससे आपका मिशन कंप्लीट होगा। और लास्ट मिशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें यहाँ पे वेक्टर और माइक्रो यूजी से 10 एनिमी मारना है। तो इसके लिए भी सेम मैप में आप लोग कोई सा भी मैप लगाओ। और गाइज यहाँ पे आप लोगों को मैं यूजी और वेक्टर भी बता दूँ तो गन के अंदर आप लोग यहाँ पे SMG में देखो फर्स्ट नंबर पे ये यूजी है तो इससे आप लोग एनिमी मार सकते हो, या थर्ड नंबर पे यहाँ पे वेक्टर है, ये दोनों में से किसी भी गन से आप लोग एनिमी मार सकते हो। तो चलिए आई होप आप लोग इवेंट को अच्छे से समझ गए होगे। गाइस वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, भले लंबा वीडियो बनाती हूँ बट जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। चलिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय।